क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं. ये जो क्वेश्चन है कोलिजन से रिलेटेड है. इसमें बताया गया ए बॉडी ए ऑफ मास एम इज इक्वल टू 0.1 केजी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 i कैप मीटर पर सेकेंड. इट कोलाइड्स इलास्टिकली. ध्यान रखना है कि इलास्टिक कोलिजन होता है विथ अनदर बॉडी बी ऑफ द सेम मास विच हैज एन इनिशियल वेलोसिटी 5 j कैप मीटर पर सेकेंड. है ना, कहने का मतलब यह है कि एक पार्टिकल है ए जो कि 3 m/s से जा रहा था इधर, दूसरा जो पार्टिकल है उसका मास भी एम है, ये जा रहा था 5 m/s से वाई डायरेक्शन में. है ना, ये हो गया ए, ये हो गया बी, दोनों यहाँ पर टकराते हैं. टकराने के बाद जो ए है इसकी वेलोसिटी बताई गई है, है ना. आगे कहा गया आफ्टर कोलिजन ए मूव्स विथ अ वेलोसिटी वी इज इक्वल टू 4 i कैप + j कैप. द एनर्जी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन इज रिटन एज एक्स बाई 10 जूल. द वैल्यू ऑफ एक्स इज. कोलिजन के बाद ए की वेलोसिटी है 4 i कैप 4 j कैप, मतलब कि 4 x डायरेक्शन में और 4 y डायरेक्शन में, कहीं ये ऐसे जा रहा होगा, है ना. और जो बी है उसका पता नहीं किधर जा रहा, उसको वी भी मान लेते हैं. ठीक, तो चूंकि इलास्टिक कोलिजन है, है ना, तो पूरे सिस्टम का हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, है ना. कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी होगी, कोलिजन के बाद भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आएगी. तो लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी. एफ जो है वो फाइनल के लिए है, आई जो लिखा है वो इनिशियल के लिए लिखा है. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर इसका देखेंगे ए का, तो आएगा हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड है 3. बी का लिखेंगे तो हाफ एम इंटू 5 का स्क्वायर. फाइनली ए का लिखेंगे इधर तो आएगा हाफ एम, जो नेट वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड आएगा 4√2, है ना. तो 4√2 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे तो यह आ जाएगा 16 × 2 यानी कि 32 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी फाइनली, है ना. तो ये जो है हमें फाइंड करना है. अब देखेंगे यहाँ पर कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस हाफ एम इंटू वी वी स्क्वायर. ठीक है, मास क्योंकि दोनों का बराबर है तो देखेंगे एम बाई टू यहाँ से, एम बाई टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर के, तो यहाँ बचेगा 9 + 9 + 25 इज इक्वल टू 32 प्लस वी वी स्क्वायर, है ना. तो 9 + 25 ये हो गया 34 - 32, तो वी वी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2 यानी वी वी हो गया √2. ठीक, तो बी की जो काइनेटिक एनर्जी है फाइनली वो होगा हाफ एम इंटू वी वी स्क्वायर. इसका वैल्यू निकालना है तो 1/2, मास दिया गया है 0.1 kg और वी वी स्क्वायर है 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, ये कैंसिल हो गया तो आ गया 0.1 यानी कि 1/10 J, है ना. तो क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर पूछा क्या गया था, कहा कि एनर्जी एक्स बाई 10 J दिया हुआ है, उसमें से एक्स निकालना है. तो अगर इसको और अपने आंसर को कंपेयर करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1, है ना. तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू है वो आ गया 1, जबकि एनटीए का जो आंसर है वो 16 दिया गया है, एक्स का वैल्यू 16 दिया गया है. एक्चुअली मैं सही आंसर जो है ये है, एक्स का वैल्यू 1 है.